खोलो। बड़े साहब, इतनी सुबह सुबह कोई जरूरी काम था क्या? दवी ने रिजाइन कर दिया। हे राम, ये क्या हो गया? पिछले 3 हफ्ते में 3 इस्तीफे हो चुके हैं मुरारी। समझ में नहीं आ रहा कि अब यह काम कौन करेगा। ये साहब, ये काला दिन है, काला दिन है। कि वो वापस आएगा, वापस। ये उसका समय है। किसका समय है? चलावा का। सांसे जो रोकी तो जहां कदम घुटने लगा। उसने ली अंगड़ाई तो हवा का रुख मुड़ने लगा। गार्ड को मुझ पे नजर रखने के लिए बोला है? What? Why would I do that? झूठ मत बोलो। मैं बहुत दिन से नोटिस कर रही हूं कि वो घूर घूर कर मुझे देखता है। I don't know, तुम्हें क्या हो गया है आशीष? I am tired of telling you that I am not cheating on you. नेहा, listen, मैं ऐसा क्यों करूंगा? I trust you. No, you don't. I've seen you many times checking on me. सुनो नेहा, listen to me. ऐसा नहीं है। I love you. और तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम पे शक करूंगा? हाँ, मैंने गार्ड को कहा था कि वो आते जाते लोगों पर नजर रखे, और मेम साहब यानी कि तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो वो तुम्हें लाके दे, क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम्हें किसी भी तरह की तकलीफ हो। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम पे शक करूंगा? मेरा तो दिल भी तुम्हारे पास है। पक्का? वेरी वेरी पक्का।
कितना वेरी वेरी पक्का? ढेर सारा पक्का। हाँ साहब, और एक्टिंग कम किया करो, समझे? और सुनो, ध्यान रखना। जी सर। और वो बता रहा था कि सर हेलो पाप सर क्या जरूरी काम था? जेल से कैदी नंबर 000 को भरतपुर जेल शिफ्ट करना है। 000 ये कैसा नंबर है? ये काम तो दवे का है ना? दवे ने रिजाइन कर दिया। क्या? लेकिन वो तो 3 हफ्तों में 3 रिजाइन। मैं सोच रहा था कि अब ये काम कौन करेगा, इसलिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया। आप बताइए मुझे क्या करना है। मैं चाहता हूं कि इस कैदी को तुम भरतपुर जेल शिफ्ट करो। 6 घंटे का रास्ता है। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। ये इतना आसान नहीं है आशीष। आसान नहीं है मतलब? तीन पुलिस ऑफिसर्स ने सिर्फ इसलिए रिजाइन किया है ताकि उन्हें यह काम ना करना पड़े। ऐसा क्या है इस कैदी में? सुना है कि वो बिना छुए किसी को भी मार देता है। 70 मर्डर किए हैं इसने अब तक। कोई वैलिड प्रूफ नहीं है। वैलिड प्रूफ नहीं तो कैदी कैसे? अगर मैं तुम्हारे साथ 10 लोगों को भेजूं और एक भी ना बचे तो जिम्मेदार कौन? लोग कहते हैं वो भ्रम में डालते हैं, उसे वो बुलाते हैं। कैसी बातें कर रहे हैं पाप? सुनने में तो बहुत कुछ आया आशीष। इस फाइल में तुम्हें डिटेल्स मिल जाएंगी।
कुछ तो है इसमें जो लोगों को डराता है। कब से है यहां पे? कोई साफ खबर नहीं है। सुना तो बहुत कुछ है लेकिन कहां से आया, रजिस्ट्री कब हुई, ये कोई नहीं जानता। वो सिर्फ एक नॉर्मल कह दिए सर। आई टेक केयर ऑफ इट। आशीष तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है सर। नेहा कैसी है? शी इज गुड। ओके, बाहर शर्मा तुम्हें बाकी जानकारी दे देगा। रेडी हो जाओ। सर, मम्मी जी की तबीयत कैसी है? शी इज गुड। व्हाई, व्हाट हैपेंड? नहीं कुछ नहीं, नेहा बता रही थी कि मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए 2 दिन के लिए घर जा रही है। हाँ वो आई थी। तुम्हें तो पता है इस एज में ब्लड प्रेशर का उतार चढ़ाव तो होता ही रहता है। बट शी इज फाइन। ऑल द बेस्ट। चंदन जा, तुझे बुला रहे हैं। जी साहब। हाँ, इस फाइल की कॉपी करनी है। चंदन, इस फाइल की कॉपी करनी है। हेलो। हेलो साहब। एक मिनट राजू रुको। ठीक है। साहब रेडी हो गए। कोई लेने आया था? ऑटो देखेंगे। फिर इन्हें पीला रंग का कुछ पहना हुआ है और मैम साहब ने नीली जींस। अच्छा। और लाल टॉप है ऊपर और आपको लाल वाला बैग भी लेके जा रही है। ये बताऊँ? सुनो, ध्यान रखना। कहाँ हो तुम? मैं बाहर शॉपिंग करने आई हूँ, सामान चाहिए था। अच्छा, राजू को बोल देते हैं। अब राजू मेरे लिए पैड लेकर नहीं आएगा। सॉरी। और तुम्हें कैसे पता कि मैं बाहर हूँ? हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है ना, पता चल जाता है। अरे मजाक कर रहा था, रोड की आवाज आ रही ना इसलिए। अच्छा सुनो, शायद आज रात मैं घर नहीं आ पाऊंगा, एक जरूरी काम आया। तुम्हारा हर बार का अपना ख्याल रखना। तुम भी।
तुम्हारा नाम क्या है? अमर सिंह। तुमने अजीब सा ये कपड़ा क्यों पहना हुआ है? अभी हम कहाँ जा रहे हैं? जेल। जेल में कुछ कागजी काम है, बदली वहीं से होगी। लगभग कितने बजे? बस जैसे ही हम पहुंचेंगे। आज हरीश बाबू दफ्तर पर क्यों नहीं आए थे? उन्होंने तो पिछले हफ्ते ही इस्तीफा दे दिया था। 3 हफ्ते में 3 इस्तीफे? ये सब उसी की बदली की वजह से हो रहा है साहब। इस कैदी की वजह से? जी साहब। मुरारी बाबू इस कैदी के बारे में कुछ बता रहे थे, तुम जानते हो? साहब चला हुआ। जिसकी परछाई तक नजर नहीं आती, बूढ़ा बच्चा जवान, वो किसी को नहीं छोड़ता। क्या बकवास कर रहे हो? आप पढ़े लिखे हो ना साहब, इसीलिए ऐसा बोल रहे हो। अमर सिंह, आखिरी फिल्म कौन सी देखी थी? वीराना। कभी कभी कुछ ब्योमकेश बख्शी जैसा भी देख लिया करो, दिमाग अच्छा काम करेगा। वैसे ऐसे केसेस के बहुत से पहलू होते हैं। वो तो ठीक है साहब, मगर मुझे ये समझ नहीं आता किस खतरनाक काम के लिए बड़े साहब ने आपको क्यों कहा? मतलब बड़े साहब तो सब जानते हैं ना अच्छे से कि वो कितना खतरनाक अपराधी है। हमें फोर्स में हर तरह के अपराधी से लड़ना सिखाया जाता है। वो हर तरह का कैदी नहीं है साहब, उसे कोई ताकत नहीं रोक सकती। हर चीज ताकत नहीं होती, फोर्स में हमें दिमाग से भी काम लेना सिखाया जाता है। वो बात ठीक है साहब, लेकिन सुना है वो बिना किसी को छुए उसकी जान ले लेता है। बहुत सारे मर्डर कर चुका है, न जाने कितनों की और जान लेगा। अमर सिंह तुम बहुत बोले यार, लेकिन अभी तक तुमने ये नहीं बताया कि तुमने मास्क क्यों पहना। वो आ रहा है ना साहब, मैं उसे अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहता। अच्छा पीछे से गाड़ी आ रही, चल पीछे। बहुत उम्मीद से तुम पर भरोसा किया है आशीष, इसे तोड़ना मत। ये हो गया सर तो तुम्हारे सारे कांड माफ कर दिए जाएंगे।
क्या बात है ये चंदन, तू तो बीमार लग रहा है। जब तक बारिश थी एक भी छींकनी आई, अब पिछले दो घंटों से छींके जा रहा हूँ। देखना इधर लाओ, मुझे बुखार तो नहीं? छींकना तो शुभ संकेत नहीं है। ये मास्क हटाओ मुंह पे से और सब गेटवाओ। साहब ने बोला है कपड़ा उतार दो। दिमाग खराब हो गया? क्या बात कह रहे हो अमर सिंह, पागल होगा वह का? साहब ने बोला है कपड़ा उतारो। मैंने अगर चेहरा देख लिया तो सबन ने मार देखो। ठीक कह रहा है अरविंद। मैं जिस तरह काम करना चाहता हूं मुझे करने दो। पर वो तो आपके दामाद हैं सर। ये कैसा शहर है, भसड़ है, भसड़ है, ये कैसी डगर है, भसड़ है, भसड़ है, ये कैसा शहर है, भसड़ है, भसड़ है। सुकूनों का फालूदा बनता है हर दिन, खौफों का तबला यूं बजता है दिन 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 दिन। सुकूनों का फालूदा बनता है हर दिन, खौफों का तबला यूं बजता है दिन दिन। सन्नाटा मिलो ये कैसी रगड़ है, भसड़ है, ये कैसा शहर है, भसड़ है, भसड़ है, ये कैसी नगर है, भसड़ है, भसड़ है। भसड़ है, भसड़ है, भसड़ है।